हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू डे थेर, कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली भाई सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस आज के इस एपिसोड में हम वापस से एक बार खेलने वाले हमारा प्यार सा रेडवुड सर्वाइवल। और अभी फिलहाल मैं थोड़ी सी फार्मिंग कर रहा हूँ, बिकॉज पिछले एपिसोड में तुमने देखा हमने डियोर को तो टेम कर लिया था। और डियोर को टेक भाई तो स्पाइन बहुत ज़्यादा क्लोज है, पता है? अगर ये थोड़ा मेरे क्लोज आगे इसका मन कर गया ना, फिनिश हो जाऊंगा पूरा। सो पिछला एपिसोड तुम लोग ने देखा होगा, नहीं देखा तो पहले और चेकआउट कर लो। उस एपिसोड में हमने ड्यूड को टेम किया था और मैं स्टोन भी अच्छे खासे फार्म कर लिया, बट फिलहाल मुझे थोड़ी सी वुड्स और थाइज की जरूरत है। तो फिलहाल मैं थोड़े बहुत वुड फार्म कर रहा हूँ, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम लोग फाइनली बेस बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं नहीं जानता कितने एपिसोड लगेंगे इसके ऊपर बेस बिल्ड को कंप्लीट करने के लिए, कॉज मेरे पास गॉड कंसोल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा फार्म करना पड़ रहा है, सच में बोलता हूँ। इसलिए मैं ये रेडवुड सैपलिंग्स की हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा मिली हेल्प इनसे मिल जाती है भाई, वुड वगैरह। रेडवुड कैसे, रेडवुड सैपलिंग जल्दी खत्म नहीं होते, बाकी सारा पटा एक शॉट में खत्म होते। तो मैं बस लूटे जा रहा हूँ, वैसे मेरी जिंदगी कट रही है और कुछ नहीं। बट पिछले एपिसोड में मैं बंदों को पूछा था कि मैं बैटलमेंट लगाऊँ कि बीमत वगैरह लगाऊँ, क्योंकि कुछ बंदे मेरे को बोले कि बैटलमेंट छोड़ो बीमत लगाओ, तो मैं कन्फ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा। तो बंदे मेरे को बोले कि बैटलमेंट ही लगाओ, बिकॉज बीमत का ऐसा सीन है कि अगर सपोज मैं बीमत लगाने जाता हूँ तो पहले बीमत के डोर फ्रेम के लिए 900 जाएंगे, जितने बैटलमेंट के लिए बैटलमेंट के लिए जाते हैं, प्लस डोर फ्रेम का अलग, आई मीन डोर का अलग जाएगा, तो बहुत लॉस होगा। बोले ये पता है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, वैसे जो उस पर डाग आते हैं ना बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए हम लोग जो स्टोन बैटलमेंट ही लगाएंगे। और बैटलमेंट की अच्छी चीज़ है कि भाई एक ही इसमें बहुत बड़े लग जाएंगे। और अब मैंने लोकेशन फिक्स कर लिया, मेरे को बंदों ने फिर भी बोला कि ये लोकेशन लो वो, तो मैं बोला रहने दो भाई अभी यही वाली करते, वो ओपी थी ना, तो इसलिए। बट आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे ज्वाइंट मेंबर की। सो आज के जो हमारे ज्वाइंट मेंबर है वो है चोको। सो थैंक यू सो मच ब्रो फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ मिथिक्स गेमिंग, एंड यू शाउट आउट टू चोको। सो इनके चैनल की लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जाके जरूर से चेकआउट करना, बिकॉज ये भी अपने चैनल पर पबजी मोबाइल वगैरह के मॉन्टर्स डालते रहते हैं। तो एक बार जाके जरूर से चेकआउट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर देना। बाकी अभी फिलहाल मैं जो थोड़े बहुत और वुड तोड़ लेता हूँ, ये कैपॉक, ओ ये वही वाला है टेस्ट आपको दिल तोड़ा था, कैपॉक कैप हो क्या कैपॉक वट एवर। बट हाँ भाई रुको, मेरे को अब एक काम करने दो, स्पाइनो देखो बहुत ज़्यादा क्लोज है, उसको दूर से मेरी बनक लग गया, वो मेरे आरती उठा देगा। भाई रुको मेरे को यहाँ पे रिस्क इसलिए लेना नहीं है। बाकी और इसके साथ ही मैं एक और चीज़, मेरे को एक बंदे ने कमेंट करके एक बहुत ओपी रूल बताया, लाइक रूल नहीं मतलब एक चीज़ सजेस्ट की, तो उस चीज़ को लेके भी मैं डिस्कस करना चाहता तुम लोग से, बट मैं थोड़ा बाद में करूँगा। अभी फिलहाल थोड़ी बहुत वुड में और काम करने दो, बाद में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, एक न्यू रूल में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, तुम्हारी परमिशन के बिना नहीं करूँगा, तुम लोग मेरे को बता देना। बट रुको मैं थोड़ा अभी पहले वुड वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। A few moments later. ये इसकी कौन सी एबिलिटी पता नहीं, बट बहुत दर्द हो गया आंखों में कसम से, पता नहीं भाई कौन सी एफ यू में भाई बहुत अजीब है। देखो मैं करके दिखाता, ये देखो बाप रे, घंटा समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। मैं ऐसे ही सोचा भाई कि चलो देखते हो डी ओड के एफ यू में कैसे चलता है, बाप रे पता एकदम कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप सा लगता है, सब दो मिनट और देख लूँगा ना ऐसा लगता है, कन्फ्यूज़ ये हो जाऊँगा मैं, हिप्नोटाइज हो जाऊँगा इसके लिए। एनीवे मैं किस चीज़ की मैं बात कर रहा था, फिर वो इसके रूल किया ना, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो देखो एक बंदे ने मेरे को जो एक ओपी रूल सजेस्ट किया, मतलब रूल नहीं एक चीज़ सजेस्ट किया, मतलब रूल में ऐड करो, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। और देखो मेरे को उस बंदे का भी सही से नाम याद नहीं है, तो प्लीज़ जिसने भी कमेंट किया, एक तो भाई जब इंपॉर्टेंट चीज़ बात करनी थी तभी भाई ये मैं कहूँगा, तो सैपलिंग से अटैच भी निकाल लेते तो मेन टाइम पर भाई ये लेवल अप जो आता है ना। हाँ तो मैं क्या रहा, ये भागना बंद करूँ को इसका, मैं इसमें डाल दे स्टोरी में। ओके क्या बोलते, मैं क्या बोल रहा था फिर, हाँ हाँ जिसने भी ये चीज़ कमेंट की है प्लीज़ बता दो कि किसने भी, ऑनेस्टली बताना, ऐसे नहीं कि मैंने, मेरे को थोड़ा थोड़ा उसका नाम याद है, मेरे को सही से याद है, याद है तो मैं क्या करूँ सॉरी इसके लिए। बट हाँ मेरे को एक बंदे ने बोला कि क्या बोलते हैं, आप एक काम करो, आप ना एटलीस्ट 2 या 3 डायनोस बाहर से टेम करोगे, ऐसा कोई रूल मतलब ये करो, ऐसा उसने सजेस्ट किया था कि आप ऐसा एक रूल रखना जिसके अंदर आप जो है बाहर के कोई भी 3 डायनोस टेम कर सकते हो। तो इस पर तुम लोग के क्या थाट्स है मेरे को ये बताओ, 3 नहीं देखो ज़्यादा, तुम लोग बोलोगे बाहर के 3-4 डायनो और देखो कंटेंट बढ़ जाएगा, उतनी सीरीज़ लंबी होगी, तुम तो यही चाहते हो कि सीरीज़ लंबी हो, मैं चाहता हूँ सीरीज़ जल्दी ख़त्म हो, तुम चाहते हो सीरीज़ लंबी हो, तो वो तुम पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो? तुम लोग जो बोलोगे देखो 3 ज़्यादा हो जाएंगे, 2 ठीक है, मतलब बाहर के कोई भी 2 डायनो हम लोग टेम कर सकते हैं, ऐसा अगर हम एक रूल निकाल लेते हैं या ये चीज़ हम ऐड कर देते तो बहुत मेरी भी हेल्प होगी, मतलब मैं तो पहले ग्रिफिन करूँगा, लेकिन ग्रिफिन के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, उसको रिस्पेक्ट करना, सोचो ग्रिफिन अगर मेरे को टेम करना है तो उसके लिए मेरे को कितना 80 या 85 लेवल चाहिए ना, उतना मेरे को करना पड़ेगा। और टिकट्स तो अभी मैं ले नहीं सकता क्योंकि 100 एम्बर ख़त्म हो चुका है, तो कुछ कर नहीं सकते भाई, ये इतना हिप्नोटाइज करने वाले काम करता है ना एफ पी में, कसम से मार किया इसके।
बट तुम लोग के इस पे क्या थॉट्स हैं मेरे को कमेंट करके जो बताना। देखो जो तुम लोग बोलोगे भैया अभी बिना पूछे तो मैं करूंगा नहीं, वरना गंदी गंदी गालियां दूंगा। बट हाँ बाकी तुम लोग पे डिपेंड करता है, मेरे को सही लगा, मतलब तीन फिर भी ज़्यादा हो गए, दो ठीक है, अच्छा है ना, उल्टा बाहर से कुछ ज़्यादा हेल्प हो जाएगी रेड बुडी। तुम पे डिपेंड करता है, मेरे को बता देना है कमेंट करके, ज़्यादा मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे को लगा कि हाँ भाई काफ़ी सही है। बाकी कोई नहीं, रुको मैं स्टोन कलेक्ट करके लेके आ गया हूँ, बस मेरे को अभी रुको इनको खाली करने दो, देखने दो कि अब भी बैटलमेंट वगैरह कितने बन सकते हैं अंदाज से। तो भाई एक तो सच में यार एटलीस्ट ना इन जगहों पर भाई गॉड कंसोल की ज़रूरत होती है, कोई सीन ये आएगा नहीं। 1900 भाई मैंने लगभग लगभग क्या 1900 कर लिया, रुको ये सारा स्टोरेज की वजह से नहीं आ पा रहा था, इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। अभी हम लोग के पास देखो स्टोन काफ़ी ज़्यादा है, स्टोन के तो दो स्टैक हो गए, वुड भी मेरे पास 4100 समथिंग है और टैच भी काफ़ी ज़्यादा है, मैं अभी बना सकता हूँ बैटलमेंट और शायद बेस भी बन जाएगा। तो क्या मैं बेस बिल्डिंग शुरू कर दूँ? नहीं, मेरे को नहीं पता ये भाई कैसे फंस गया, भाई भाई बहुत ज़्यादा गलत फंसा है, मेरे नसीब की वजह से फंसा है, पता नहीं है और भाई वो नहीं मान रहा आज डैमेज भी पड़ा, देखा ना तुम लोग ने, मेरा ना बोलो गॉड कौन से भाई, सच में तुम्हारा भरोसा नहीं, कुछ भी बोल दोगे मेरे को पता नहीं, ट्रस्ट मी। ये म्यूज़िक कैसा था ये, मैं उसले शान बैठ गया, मतलब पहली बार सुना मैं ये म्यूज़िक आज मोबाइल में, कुछ नया ऐड किया है कि इन लोगों ने, बट वो सब छोड़ो। मैं कह रहा था कि ये स्पाइनर मेरे को दिखा, मैं बोला अब मैं रेक्स बिक्स को मार डालता डियोर से, मैं मार डालूंगा, मैंने कहा तो बेचारे आप ही फंस गया, इसके नसीब में फंसना ही लिखा इसलिए पीलेगा इसकी मार दिया। भाई मेरे को लगा कि मैं इसको यूँ मार डालूंगा, इस बंदे को पता नहीं है जो टेम नहीं होते उनमें पानी से बफ मिलता है कि पता नहीं, बट इसलिए वो पानी मार गया। रुको मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, देखो गॉड कंसोल नहीं मेरे पास, बोला नहीं मैंने गॉड कंसोल के यूज़ किया क्योंकि क्या बोलते वो मार नहीं पा रहा, तुम सोचो कि मैं हार्वेस्ट भी नहीं कर सकता, मार नहीं पा रहा, तुम सोचो मैं गॉड कंसोल यूज़ करो इसलिए लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे को नहीं पता, बट भाई मेरे को लगा कि मैं इसको यूँ मार डालूंगा, भाई इतना रैपिडली इसने मेरे को मारा, एक सेकंड भी एक सेकंड माता संग काफ़ी पीछे लग गया मेरे भाई, तेज से ज़्यादा स्पीड हूँ मैं, बाप को मत सीखा अपने यार। वो देखो भाई वो कार नो गोरिल्ले के पीछे, गोरिल्ला मेरे पीछे, सारी कायनात मेरे पीछे, बट मेरे को क्या है मैं स्पीड हूँ तो मैं मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये देखो भाई तुम भी मार लो पेट्रोडॉन, तुम भी मारोगे, हाँ जो ये लो तुम भी मार लो भाई, मार लो भाई, तुमको नहीं बोला था भाई मारने को, रुको भाई मेरे को भाई बहुत ज़्यादा, एक तो मेरा स्टैमिना खत्म होने वाला है, मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था भाई, क्या वो एक ऊँच में नहीं गए भाई ड्योर के, इतना कमज़ोर है मेरा ड्योर, और स्पाइनों को क्या ही घंटा मारता, अरे मैं भाई इनको मैं नहीं मारता रहा मेरा बंदा, हटना यार भाई क्यों कर रहा है, रुको इसकी मार मार डाला था कैसे मार दिया भाई, कोई नहीं चला गया बेफालतू भाई हर चीज़, ओ सॉरी भाई मैगला सॉस को नहीं मारना, इमेज ख़राब हो रही है मेरी, पुअर डाइन उसको मार के, रुको भाई एक सेकंड भाई, एक तो इसका स्टोरेज कैसे भाई, इसका 299 है अभी 400 बचा है भाई, इसका स्टोरेज कितना भर गया, ये सारी बेकार चीज़ों की वजह से भरा है क्या मेरे, वो चीज़ें खाली करके आनी चाहिए थी भाई, एक तो बीच मैदान में इसको गंदी आदत है भाई टट्टी करने की, रुको गाइस मैं आके दो मिनट में इसको साफ़ करा के आया, बहुत यूट्यूब आ गई पागल हो गई भाई, यहाँ पे अभी किसी ने मेरे को मारा मैं गेम छोड़ दूंगा कसम से बोल रहा हूँ, माँ कसम से आधे पहले क्या गलत सुना पता है, मैं क्या थे अपना नॉर्मली फुल फार्मिंग कर रहा था, पीछे से एक नहीं दो नहीं तीन तीन टायर पड़ आ गए भाई, दिल में हार्ट अटैक आ गया मेरे कसम से, फट के हाथ में आ गई थी, मतलब गया मैं अभी, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि मैं गेम सेव करके नहीं रखा रहता, अब भाई फार्मिंग होती है हर बार फार्मिंग इसमें थी, मैं वुड बिट डालूंगा उसका कौन सेव करेगा, मैंने कहा मैनुअल सेव कर लेता हूँ ताकि क्रैश से बच जाओ भाई, भाई पीट लस्सी मैं फटाक से पेट्रोल पर बैठ गया, अब माँ कसम फाड़ देती मेरी तीनों, मेरे पास आमा भी नहीं है, तो कोई नहीं, बट अभी मैं थोड़ी बहुत टैच की फार्मिंग कर रहा हूँ, कॉस्ट हैच भी थोड़ा सा कम पड़ रहा है, बाकी रुको ये वाला मैं निकाल लेता हूँ, टैच का सही है, टैच ज़्यादा वजन नहीं होता तो एक साथ बल्क में लेके जा सकता हूँ, गुड़ का भाई सिर्फ 600-450 या 500 मैक्स, और स्टोन भी अच्छे खासे लेके जा सकते हैं, बट वो साला उड़ता नहीं पड़ रहा गोला कहीं का, और धीरे धीरे गोल 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 घूम के जाता है। हाँ कोई नहीं रुको मैं अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ, एंड उसके बाद हम लोग फटाफट से भाई अपना बेस बना स्टार्ट करेंगे, बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, मेरे को क्यों लग रहा है कि मेरे 3-4 एपिसोड बेस बनाने में जाने वाले, बट मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि अभी देखो बैटलमेंट का मेरे को कोई भी अंदाज़ा नहीं है, अब मैं कितनी लगाऊंगा, लगा के कितने बार डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और देखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं गेम सेव करके वो करके आता हूँ, मैं देख के आता हूँ कि कितनी लगानी कितनी नहीं कैसे लगानी, जिससे हम लोग उससे तो बच जाए एटलीस्ट, वरना बेफालतू और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, रुको अगर काम करने तो पहले मैं कुछ अपने लिए, मैं इसमें क्या अंदर क्या कर रहा हूँ, पागल हो गया कि मैं इसके अंदर से मेरे को सिट्रोन बोल रहा हूँ, लॉक रास निकालने मैं उसके अंदर से कर रहा था, एनीवे मैं क्या कर रहा हूँ, रुको मैं थोड़े बहुत और टैच लेके आ जाता हूँ, उसके बाद अपन
क्या बोलते हैं बेस बिल्डिंग का करते हैं, तो नीचे अब डियोड व्योड है, अब नहीं चाहिए तो भाई डियोड वगैरह आराम से। हाँ कोई नहीं, तो थोड़े बहुत को वुड भी निकालने दो वापस। काश भाई मेरे पास कैस्ट ऑफ डिस्टर्ड होता मैं बहुत जल्दी कर पाता, बहुत अच्छे से कर पाता। वो अर्जेंट है भी टेम करने का है, जिससे भाई मैं एटलीस्ट डियोड वगैरह को तो भाई स्टोन के पास जल्दी ले जा कर सकूँ। A few moments later. मैं कसम से बोल रहा हूँ ये अंडे मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं किया है, ये इस भाई ने दिए हैं। लाइन में चार कैसे दिए मेरे को नहीं पता, मैं अभी देखा। और सिर्फ इतने ही नहीं दिए, यहाँ पे रुको कहाँ गए, कसम ये रैप्टर ने भी दिए थे। मतलब मेरे को स्टिकों के चार अंडे लाइन में ऐसे कैसे दे दिए पता नहीं। मैं ड्रॉप तो नहीं किए थे भाई, ड्रॉप तो कसम से नहीं किए थे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है। पिछला एपिसोड चेकआउट कर लो, उस पिछले एपिसोड वाले अंडे इसमें थे। मतलब भाई मैं एक्स्ट्रा ऐसे ड्रॉप करके, बट पता नहीं कैसे भाई। एनीवे क्या बोलते हैं, देखो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं फिलहाल ना बैटलमेंट बोल रहा हूँ, ये बिमत गेट के लिए मैं थोड़ा सा और कलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ। बिकॉज मैंने सेव किया गेम और मैंने ये देखा कि मेरे कितने बैटलमेंट बनेंगे, तो 5-6 बैटलमेंट बन रहे, बट मैं सोचा बिमत के लिए और अलग से कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि 5-6 तो उसमें ही लगने वाले। बिमत के लिए मैं अभी थोड़े से वापस से कलेक्ट कर रहा हूँ, उतना होने के बाद हम लोग टोटली रेडी रहेंगे और उसके बाद हम लोग बेस बिल्डिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो करना फाइनली सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 बैटलमेंट, ये एक बैटलमेंट और ये मैंने 2 गोल वाले, ये और ये, मैं सारी चीज़ें बना ली। रुको मैं एक काम करता हूँ, पहले इन सबको यहाँ पे रख देता हूँ और इसके जगह लॉन्ग रास निकाल ये जा, क्योंकि लॉन्ग रास अभी हम लोग को भूख तो वैसे ही लगी नहीं है। हाँ सो फाइनली भाई चढ़ता क्यों नहीं है। सो फाइनली मैंने सारी चीज़ें बना ली है, जस्ट अभी हम लोग इसको प्लेस करना है। और मैं सेव करके मैं चेकआउट किया कि कैसे कैसे लगाना है, मैं तुम लोगों को डिज़ाइन बता दूँ। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं से उड़ के तुम लोग को नहीं समझा पाऊँगा, बैठ के बता दो सही। एनीवे रुको एक सेकंड, यहाँ पे भाई एक तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है सेव में, जब मैं सेव किया तभी भाई बहुत वहाँ कसम तो डरा था क्यों भाई, बोला अचानक क्या गया साइड से। टैबर्ड का इतना ज़्यादा खौफ है ना मेरे में, और रैप्टर्स तो यहाँ पे होते नहीं, बट फिर भी। बट छोड़ो मैं तुम्हें बता दूँ, देखो ये जो है ये वाली जगह, ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे। अभी पिछला बार मैं बोलता वैसे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। पिछला बार मैं बोला इसी के ऊपर से हम थोड़ी वॉल बिल वैसा नहीं करेंगे हम, यहाँ से मैं रुको लगा के बताता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अंदाज लिया है, मेरे को पूरा नहीं लिया बट मेरे को अंदाज लग गया क्या करना है। देखो हम लोग को पहले, रुको मैं देखने दो, ये देखो इतना बहुत है, मेरे को ज़्यादा भी अंदर नहीं लेके जाना उसको। तो अब भी यहाँ पे रुको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये वाला, रुको ऐसे नहीं ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है। ओके इतना हो गया, अभी रुको यहाँ पे गैप भी परफेक्ट है। पिछले बार मैं सेव में किया तो गैप थोड़ा ये हो रहा था, तो मैं पूरा स्ट्रक्चर देखा बना के, परफेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। अब सिंपली हम लोग को ऐसे प्लेस करना है एंड उसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो है ये नहीं लग रहा, वेरी गुड। एक सेकेंड, हाँ सॉरी मैंने बीमत गेट लगाया था, मैं वही बोलूँ मैं फट गया, मतलब भाई मैं अंदाज कैसे चूक गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि नीचे का एरिया थोड़ा है, बट वो फील कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। और ये देखो माँ कसम ये सेव में भी था, माँ कसम इसको रुको, अब देखो मैं इसको मारूंगा ना ये शील्ड के अंदर चला जाएगा छोटे। ये होता है भाई जब तुम्हें अपना फ्यूचर पता होता है, जब तुम सेव के साथ ऐसे खिलवाड़ करते तो तुम्हें अपना फ्यूचर पता हो कि क्या होने वाला है। कोई नहीं, लेकिन हम लोग का आई थिंक सही से लग जाएगा, जिसको ऐसे लगाना है देन उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये लगाना। ओ भाई नहीं अभी मस्ती नहीं करना प्लीज़, मैं ये नहीं करना चाहता। ओके लग रहा है इसको, रुको लग जा भाई प्लीज़ भाई, थोड़ी के लिए नहीं रहना, रुक जाओ एक सेकंड, तुम मन डिस्टर्ब करोगे। एक लास्ट लगाना है, लास्ट वाला तो लग जाएगा और उसके साथ ही हम लोग का फाइनली बेस बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी। मतलब ये तो सिर्फ बॉर्डर बनाई आज के एपिसोड में हम लोग ने, कल इसके अंदर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करनी। रुको एक काम करने, तो पहले अभी भाई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी ना, रुको एक सेकंड, ये थोड़ा गलत लग गया मेरे से, ये ऐसे नहीं लगना चाहिए था भाई। इसमें प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें वापस नहीं मिलने वाली, इसलिए मेरे को सेव करके पहला डिज़ाइन मैंने देख लिया, अभी देखो परफेक्ट लग गया। बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, ये देखो पूरा नीचे तक चला जाता है, बट मेरा ठीक है कोई बात नहीं। इसी तरीके से हम लोग का बेस पूरा रेडी है, जस्ट अभी एक काम करते रुको मैं बैनर से कर लेता हूँ, क्योंकि गेम क्रैश मार गया तो बहुत मेहनत से डिज़ाइन किया भाई। मेरे को वैसे ही लग रहा था कि क्या बोलते मैं डायरेक्ट तुम्हें दिखा दूँ, बट मैं नहीं तो बिल्ड करते सही से दिखा दो, वरना मैं सेव में किया तो मेरा छोड़ो भाई अभी कौन बिल्ड करेगा सही से लगेगा कि नहीं। तो रुको अभी यहाँ पे बीमत किट लगाना और हम लोग का यहाँ पे फाइनली बेस रेडी है। ओके मतलब बॉर्डर रेडी, बट फिर भी क्या बोलते बाहर से अगर देखा जाए तो ऐसे दिखे। एक सेकंड रुको, एक काम करने दो भाई, मेरे को ना सारी चीज़ें मंजूर है बट पेट्रोडॉन्स अपने बेस के पास नहीं, बट अभी तो मेरे पास स्वॉर्ड भी आ गया, मैं फाड़ के रखेंगे। रुको एक काम करने दो, पहले मेरे को लेवल मैं स्पीड में डालू क्या, नहीं रुको स्पीड में नहीं स्टैमिना में डाल दे, क्योंकि स्पीड 141 सफिशिएंट है मेरे मेन वर्ल्ड में, उतनी है तो बहुत है। वैसे हार्ड कोर और हार्ड आई नो, बट फिर भी स्पीड का क्या ही है।
बाकी आज के लिए बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर देना एंड मेक श्योर आप चैनल पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करो। और आई नो आज की वीडियो लिटिल बिट स्मॉल हो गई होगी बट फिर भी क्योंकि आज हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा हमने फार्मिंग किया और थोड़ा बहुत बेस बिल्डिंग की, थोड़ा बहुत नहीं बहुत की वैसे बेस बिल्डिंग। बट कोई नहीं, रुको एक काम करने दो, पहले मैं अंडा उठा लेता हूँ क्योंकि अभी गाली में हम लोग को कुछ नहीं उखाड़ सकते, वैसे मैं उसको पहले ही उठा लेता। बट कोई नहीं, रुको एक काम करने दो, पहले मेरे को देखने दो कि अर्जेंट है इसका सैडल किस पे खुलता है, मेरे को पहले ये देखने दो। वाह हम लोग आरजी भाई अनलॉक ही नहीं है, मतलब दिख ही नहीं सकता। ब्रॉन्टो का क्या है, ब्रॉन्टो भी नहीं है। मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता देना कोई, रुको मेरे को देखने तो मैक्स कितना है मेरा, कितना लेवल तक मैं देख सकती 57 तक। इसमें कहीं पे भी कुछ भी नहीं है क्या मेरे काम का ऐसे? फिर मेरे को फाइबर वीबर सब ये, मेरे को ये इधर का कचरा क्लियर करना है और कुछ नहीं है। कोई नहीं छोड़ो, वीडियो पसंद है तुम लोग लाइक कर देना और अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई इसको पता नहीं कितना देर यहाँ पे रहेगा, मेरे को लगता है हमेशा के लिए रहेगा। मूव डैमेज के डैमेज नहीं होता क्या? हाँ कोई नहीं, फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। वैसे आप बोलने का 3.5 के तो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। बट ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पे 4K बना ले तो ज्वाइन कर लेना डिस्कॉर्ड भी। बाकी अभी यहाँ पे मैं थोड़े बहुत अपडेट और करूँगा, मैं जो है एजेस वगैरह पे ये वाली जगह पे ना, ये वाली जगह मैं टरेट्स वगैरह लगाने वाला, टरेट मतलब वो नहीं प्लांटेक्स वाली, हाँ प्लांट टरेट बोलने वाला था प्लांटेक्स एक सिनेमा का टेरेट। बट कहाँ पर आई है, रुको तू भाई डराता क्यों है यार? जैसे अभी ये पुअर डायनोस में नहीं आता तो मैं इसको मुक्ति दिला सकता हूँ, रुको बेवकूफ कह गया। डर लगता है पता है टेरबर्ट से, आर्मर नहीं है मैं जहाँ, और मैं आर्मर भी बना लेता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में जमा तो वो भी कर लेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही, मैं तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी या टेक केयर, ठीक है।